मेरा नाम आईडी शेख है, मैं ओमकार ग्रुप में ओमकार ग्रुप सीईओ बोल के काम करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मशीन्स है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटी का सीएनसी मशीन्स है। सीएनसी मशीन्स ए प्रिसाइज मशीनिंग सेंटर कहा जाता है, उसी के ऊपर इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स का प्रोडक्शन किया जाता है। ये जो मशीन्स होता है ये एडवांस टाइप का टर्निंग लेथ मशीन्स होता है। इसी में सिस्टम होता है और वो सिस्टम के थ्रू जो कंपोनेंट या तो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनाना है हमको, उसी के लिए सिस्टम जो होता है फानुक सिस्टम स्पेशली हम यूज़ करते हैं, उसी में उस कंपोनेंट का प्रोग्राम किया जाता है और फिर उस मशीन के ऊपर अलग अलग कैपेसिटी वाला मशीन्स के ऊपर प्रोडक्शन होता है। हमारे इधर टोटल 12 टाइप का सीएनसी मशीन्स है। हर एक मशीन का कैपेसिटी जॉब के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो सीएनसी मशीन होता है इसी में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई या तो जो कुछ ज़रूरत पड़ता है वो थ्री फेज सप्लाई के ऊपर चलती है। टेक्नोलॉजिकल इंजीनियरिंग के हिसाब से ये मशीन्स काम करती है। ये मशीन्स का जो एडवांटेज होता है इसी में एक्यूरेसी यानी जॉब का करेक्टिवनेस जो होता है वो बहुत ही प्रिसाइज होता है, रिजेक्शन बहुत ही कम होता है और प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। वो जो मशीन है वो एज पर हमने जो प्रोग्राम बनाया, टारगेट जो डिसाइड किया, उसको काउंटर भी करती है। मतलब एक मिनट में अगर एक जॉब बन रहा है तो घंटे में 60 जॉब बन रहे हैं और 8 घंटे में 8x60 480 जॉब बनेगा, वो मशीन उस काउंटर में ऑटोमेटिक काउंट करती है। ये जो मशीनें होती है प्रिसाइज होती है, इसी के लिए इस मशीन पर काम करने वाले जो लोग होते हैं 12 स्टैंडर्ड ITI डिप्लोमा इंजीनियर्स को ही हम लगाते हैं, जो कि जो जॉब बनते हैं वो प्रिसाइज और बहुत वैल्यूएबल जॉब होते हैं। मशीन जो होती है ये एक्यूरेट प्रिसाइज रहने के लिए इसका जो मेंटेनेंस या तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, इसी के लिए कोई मेंटेनेंस डेली होता है ऑन डेली बेसिस, कोई वीकली बेसिस होता है, कोई मंथली बेसिस होता है, कोई क्वार्टरली होता है, सो दैट कि हमको उसका ब्रेकडाउन ना आए, क्योंकि ये मशीन बंद रहना इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि मशीन बहुत कॉस्टली होता है, उससे आउटपुट लेना हर एक का फर्ज होता है, जैसा कि हम भी करते हैं। सीएनसी मशीन जो है इसी के बारे में मैं टेक्नोलॉजिकल अगर समझाऊँ तो इसमें स्पिंडल टेलटॉक बाद में जो मोटर्स उसी के जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल पार्ट्स बाद में पावर पैक्स होते हैं। मशीन बहुत प्रिसाइज होने के वजह से इस मशीन को ऑपरेशन में जो है जब ऑपरेट करती है तो उसका पैनल गर्म होता है, हॉट होता है, तो उसी को कूलिंग रखने के लिए उसमें एसी सिस्टम होता है, उसी को हम पैनल एसी कहते हैं। तो वो पैनल एसी वर्किंग है या नहीं है डेली बेस के ऊपर उसी को चेक किया जाता है। लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, ये लुब्रिकेशन सिस्टम जनरली हाइड्रोलिक ऑयल के थ्रू होता है। ये मशीन में हम ऑपरेशन करने के लिए कूलेंट को यूज करते हैं और जो मटेरियल एज पर दी मटेरियल जैसा भी हो अलग अलग टाइप का, जैसे कि MS रहता है, 20 mm CR5 रहता है, 8620 रहता है, या ब्रास रहता है, या तो एल्यूमिनियम रहता है, उसी के हिसाब से इंसर्ट्स, हम इसी को कटिंग टूल्स या कटिंग इंसर्ट्स कहते हैं, वो अलग अलग तरीके के यूज होते हैं।